सो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ वीवो Y15s मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक सेट कैसे किया जाता है, यानी मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है। यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आप अपने मोबाइल की दोस्तों सेटिंग को ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस होगा आप लोगों के सामने। अब दोस्तों स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा। सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न और फिंगरप्रिंट प्लस पिन और फिंगरप्रिंट प्लस पासवर्ड। तो जिसके साथ आप जो है फिंगरप्रिंट लॉक रखना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने स्क्रीन लॉक पहले से ही बना कर रखा है तो दोस्तों डायरेक्ट आप जो है फिंगरप्रिंट लॉक पर आ जाओगे। तो दोस्तों मैं यहाँ से जो है पिन रख लेता हूँ। तो दोस्तों पिन पे मैंने क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ से एक मैं जो है पिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोबारा से री एंटर कर दिया, कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए डन का ऑप्शन दिख रहा है, डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टार्ट इनपुटिंग का ऑप्शन मिला है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों इस पावर बटन में जो है फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो आपको इस प्रकार से लगाते जाना है। जब तक दोस्तों ये जो है यहाँ पर डन का ऑप्शन नहीं आ जाता है, तब तक दोस्तों आपको जो है इसी प्रकार से दोस्तों लगाते जाना है। चारों तरफ से आप घुमा घुमा के दोस्तों लगा लीजिए। उसके बाद डन का ऑप्शन आ जाएगा, डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ये जो है फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक लग चुका है। चलिए मैं आपको बैक करके टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन मैंने ऑफ कर दिया, अब दोस्तों लगाया तुरंत, तो दोस्तों देखना मोबाइल ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप जो है फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो बड़ी ही आसान तरीके से।